हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लूमिनस का एग्जॉस्ट फैन। आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसा है प्रोडक्ट, और बाद में आपको उसको जल्दी से एक बार इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा क्या आप इसे खुद लगा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसके इस साइड पर पढ़ें तो बॉक्स में इस साइड जो है वो वारंटी जो है वो 2 ईयर्स की मेंशन कर रखी है, मगर उसके कुछ कंडीशंस बता रखे हैं जिसे आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सितंबर 2020 की है। जो मैंने ऑर्डर किया है वो 200 mm का है, बेंटो फ्रेश वेंटिलेटिंग फैन। इस साइड पे इसके कुछ और फर्दर डिटेल्स प्राइसिंग वगैरह बता रखी हैं जो आप पॉज करके अगेन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस साइड में कुछ ऐसा जनरली कुछ बताया नहीं गया है, नीचे की साइड भी कुछ नहीं है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक बार इसको कट करके दिखा देता हूँ कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो इसे हमने कट कर दिया है, तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है, थर्माकोल में ढंग से लगा हुआ है ये, इसको साइड कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ बॉक्स के अंदर ये पैक किया हुआ था, मैं बॉक्स इसको साइड कर देता हूँ और जल्दी से इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ क्वालिटी में आता है, काफ़ी इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। बैक साइड से कुछ इस तरीके से इसके फ़ैन हैं, तो जब भी एयर का प्रेशर पड़ेगा तो ये फ़ैन जो है वो एकदम से ऐसे उठ के खुल जाते हैं वेंटिलेशन के लिए। जब आप इसकी मोटर फ़ैन को ऑफ़ कर देंगे तो ये ऐसे करके गिर के बंद हो जाता है शटर। ये शटर बाहर की साइड रहेगा, एक्सटर्नल साइड, और पंखा आपकी घर के अंदर की तरफ रहता है। ये इस डायरेक्शन में घूमता है कि हवा का प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ रहता है, तो अंदर की जो भी गंदी हवा होती है उसे एकदम थ्रो करके वो बाहर की तरफ पुश कर देता है। तो इस तरीके का कुछ है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं आपको जल्दी क्विकली एक बार दिखा देता हूँ, बाद में एक बार जब इसको लगाऊंगा तब भी एक बार बता दूंगा कैसे इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे एक हैंडल टाइप का यहाँ पे लगा होता है प्लास्टिक का, तो ये ऊपर की साइड जो है जो अंदर की साइड रहता है वो सिर्फ एक कवर है, आपको वो कवर रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आपको उसे करना बस इतना है, यहाँ से इस प्लास्टिक को ऐसे हटा देना है। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक फ्रेम है, तो इस फ्रेम से ये खुल जाता है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का अंदर दिखता है, अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर लगी है, तो इसकी मोटर जो है वो कॉपर की है और ये काफ़ी स्मूथ है, कोई इसका नॉइस या बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलता है ये। और यहाँ पे कुछ स्प्रिंग सिस्टम वगैरह लग रखा है, वो इसीलिए है कि जब ये फैन चले तो उसके हिसाब से जब प्रेशर पड़ेगा तो इसे लॉक अनलॉक के काम में ये स्प्रिंग काम आती है। अंदर यहाँ पे इसके जो है कंडेंसर वगैरह लग रखा है, तो अंदर इसकी वायरिंग कंडेंसर के थ्रू होते हुए बाहर एक्सटर्नल वायरिंग देते हैं। लगभग इसकी ये आधे मीटर की ही वायरिंग है, इतनी वायरिंग सफिशियंट होती है। अगर आपका सॉकेट थोड़ा दूर है जहाँ पे आप इसे प्लग करना है तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसकी वायर क्वालिटी भी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक क्वालिटी के कॉपर वायर्स हैं इसके थ्रेड्स वगैरह। और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ इसको स्क्रू करने के लिए जो है चार यहाँ पे प्लास्टिक में होल बने हुए हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे, और दो साइड में बने हैं। तो जब भी आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो जो भी अगर आपका ये जो 200 mm का है ये आइडियल होता है, अगर आपका जो ये बॉक्स है इसका बॉक्स का साइज होता है 9.5 बाय 9.5 इंच के वाली जो फ्रेम होती है, और जो एक्सटर्नल जो घर के अंदर की साइड रहेगी ये बड़ी वाली फ्रेम, इसकी जो विड्थ और इसकी लेंथ है वो बराबर होती है, वो भी लगभग 11.5 इंच बाय 11.5 इंच की होती है। मैं आपको डायमेंशन फोटो में इसकी एग्जैक्ट दिखा दूंगा। तो ये मेरा ऑलरेडी नापा हुआ है, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ एक दो जगह। तो मैं आपको सिर्फ आपको करना इतना है कि जहाँ पे भी आपको इसे इंस्टॉल करना है वहाँ पे आप पहले इसे फिट करके इन होल्स के थ्रू मार्किंग ले लेंगे, फिर ड्रिलिंग मशीन से आप इसे होल कर देंगे जहाँ पे भी आप इसे लगाना है, और उसके बाद वहाँ पे बैक साइड में आप कोई भी दीवार या वुडन या जहाँ पे भी आपको इसे लगाना है वहाँ पे स्क्रू लगा के इसे हम टाइट कर देते हैं। जब ये पूरा इंस्टॉल आप कर देंगे तो आपके पास लास्ट में बस इतना करना है, जब ये पूरा फिट हो जाए पूरी वायरिंग कर देंगे लास्ट में, इस कैप को आप दोबारा ऐसे लगा देते हैं। तो अब मैं आपको जल्दी से आगे इस वीडियो में इसको लगा के इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो अब हम इस एग्जॉस्ट फैन को यहाँ पे लगाने वाले हैं अपने बाथरूम पे। तो ये स्टील की प्लेट है, तो इसमें मैंने एग्जैक्टली इसके फ्रेम के होल करके मेजरमेंट में ले लिया है,
आप ये भी देख सकते हैं मैंने इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ से चेंज करके इस साइड कर दी है। यहाँ पे दो ऐसे प्लास्टिक के प्लग वाले होल्ड करने के लिए लगे होते हैं, तो वो दोनों मैंने होल्ड करके इस साइड को चेंज कर दी है, वायर इस साइड से आउटपुट निकल रही है, क्योंकि मेरा सॉकेट अगर आप देख पाएं तो मेरे को कनेक्ट इस साइड करना है, इसीलिए इसको इस साइड में टर्न कर दिया है। तो आप अगर मैं इसको ऐसे करके अभी यहाँ पे फिट करूँ तो एग्जैक्टली जो मैंने चार होल यहाँ पे किए हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी बताया था चार होल होते हैं, ये चार होल जो है एग्जैक्टली लगे होने चाहिए। मैं यहाँ पे नट बोल्ट के साथ इसे कसने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 इंच के नट बोल्ट लिए हैं, तो वो एक कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप 1 इंच का नट बोल्ट देख सके तो एक उसमें वाशर जो है वो बाहर की साइड से मैं लगा दूंगा और एक नट बोल्ट का पेयर जो है वो अंदर की साइड यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैं जल्दी से इन चार होल्स में जो दिख रहे हैं आपको मैं नट बोल्ट लगा के कस देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है आगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच के जो नट बोल्ट हैं ये कस दिए हैं, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिट हो गया है, ये हिलेगा नहीं। और अब मैं जल्दी से इसके वायरिंग कनेक्शन करने वाला हूँ लाइव और न्यूटन के। आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप कभी भी ये खुद ट्राई ना करें, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन से ही करवाएं, और हमेशा करने से पहले देख लें करंट ना आ रहा हो, एमसीबी घर की गिराने के बाद करें, तो खुद ट्राई ना करें। तो मैं अब जल्दी से इनको अनरैप करने वाला हूँ। तो मैंने इसके कनेक्शन यहाँ पे अब लगा दिए हैं, अब लास्ट में जो इसकी ये फ्रेम वाली बाहर की कवर होती है इसको सिर्फ इसमें लगाना होता है, तो इस कवर को हम इसमें लगा देते हैं। तो लगाना बहुत ही सिंपल है, तो देखिए ये कवर इसमें लग गया है, ये भी पूरी तरह अपनी जगह सेट है। अब मैं आपको ऑन करके इसको जल्दी से दिखाता हूँ कैसा लगता है चलने में। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल फिटिंग है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी होता है। तो ये 200 mm का है, अगर इस ये 9.5 x 9.5 इंच का इसका होल होता है जिससे इसे पास कराते हैं तो वो 200 mm का लगता है, और इसके और भी साइज आते हैं 150 mm और 250 mm। तो अगर आपको कोई डाउट हो इसके बारे में फिर भी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।